काफ़ी अरसे से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था लेकिन मैं सोचा था शायद ये मेरी अपनी इतफाक़ से इस तरह की बातें हो जाती हैं लेकिन इट वॉज़ कंटिन्यूटी ऑफ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस जितनी भी पिछले एक दो महीने में शादियाँ या वलीमा या बाकी इस तरह के जितने भी इवेंट्स थे उनमें जाने का इतफाक़ हुआ हमें रिसीव किया गया हाल में बैठ के वन वी आर वॉकिंग अप टर्ड्स द टेबल्स हमने देखा कि कुछ लोगों को ऑलरेडी जानने वाले अपने अपने जानने वालों के पास जाके बैठ चुके थे तो वहाँ पे जो टेबल अवेलेबल थी वहाँ पे बैठ के कुछ दोस्तों ने और हमें जॉइन कर लिया जनरली ये ऐसा ही होता है कि आप उसी टेबल पे बैठते हैं जहाँ पे आपके जानने वाले हों जिसके आप गपशप लगा सकें ताकि जब तक एक्चुअल प्रोग्राम शुरू हो जाए उस वक्त तक आप दोस्तों में गप शप रहे और पर्पज़ भी दावतों का यही होता है कि बिसाइड हैविंग अ क्वालिटी मील आप दोस्तों के साथ गपशप लगा सकते हैं हाल अहवाल पूछ सकते हैं कुछ लोगों के पास आप ज़माने बाद मुलाकात कर रहे होते हैं तो ऐसा ही हुआ गपशप हुई प्रोग्राम शुरू हुआ प्रोग्राम की नोयीत में इसलिए नहीं बता रहा कि मैं नहीं चाह रहा कि इस वीडियो से हमारे जो होस्ट थे जिन्होंने बड़े खलूस से हमें बुला रखा था उनकी दिल आज़ारी हो किसी भी तरीके से तो इसलिए मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, इवेंट का नाम भी नहीं बताऊंगा और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होगा लेकिन जो मेरा मकसद है बताने का वो मैं मैसेज अक्रॉस कर दूंगा ताकि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उससे कुछ सबक हासिल कर सकें प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद दावत दी गई आप खाना ले लीजिए मेरी जनरली यहाँ आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे आखिर में जाऊँ क्योंकि जब रश लगता है तो वहाँ पे भी जाके लाइन में खड़ा होता है तो बाकी भी मेहमान हैं वो ले लें और जब वो ले लेंगे अपना खाना बुफे स्टाइल खाना है उसको जब ले लेंगे तो हम चले जाएंगे ऐसा ही हुआ इंतज़ार किया जनरली ऐसा होता है कि पहले ख़वातान अपना खाना ले लेती हैं फिर मर्दों को बुलाया जाता है लेकिन इस दफ़ा इस तरह हुआ कि मर्दों को पहले बुलाया गया आलमोस्ट लाइन ख़त्म हो चुकी थी हम उठ के गए तीन दोस्त थे हम पढ़े लिखे दोस्त एक प्रोफेशनली डॉक्टर हैं दूसरे वन ऑफ द टॉप ऑफिसर्स रिटायर्ड हैं फ्रॉम द मिलिट्री हमने अपनी अपनी प्लेटों में खाना लिया वापस लौट के हम अपनी टेबल की तरफ आए तो देखा बावजूद इसके कि हमारी कुर्सियों पे हमने अपने फ़ोन वो गिलास जो हम यूज़ कर चुके थे पहले जिनमें पानी पी चुके थे वो गिलास और मेरी हैट भी वहाँ पे पड़ी हुई थी कोई दूसरे दो लोग आए और आके तीन में से दो कुर्सियों पे बैठ गए अब हमारे एक जो दोस्त थे उनको बड़ा सा आया खैर उ तो सभी को आया कि भाई ऐसा भी नहीं है कि आपके पास चेयर्स की कमी है या टेबल की कमी है आपने आउट ऑफ कर्ट सी जिसकी जो टेबल है जिस पे आके आप बैठ के उसी का राइट है उसी को बैठने देना चाहिए लेकिन आप वहाँ पर बैठिए न सिर्फ आप बैठ के बल्कि आपने हमारे ही गिलास में सोडा या वाटर भी पीना शुरू कर दिया और हम फॉर थर्टी टू फोर्टी सेकेंड खड़े रहे उन्होंने हमारे साथ आई कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश किया एंड देन ही रिज्यूम्ड हिज फूड अब हमें बड़ी आनेस्टली बड़ी एम्बेसमेंट भी हुई और गुस्सा भी आया लेकिन हमने बर्दाश्त किया इसलिए कि अब वहाँ पर अगर हम बोलते तो बदमजगी हो जानी थी तो हमने आके अपने हाथों में प्लेट ली और खड़े होके खाना शुरू कर दिया अब जो सबसे मायूब चीज़ लगती है वो यह है कि आप खड़े होकर किसी जगह पर खाना खा रहे हो मुझसे तो कम अज़ कम नहीं खाया जाता जनरली जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ अगर मुझे किसी जगह दावत हो तो मैं खाना खाए बग़ैर उठ के निकल आता हूँ क्योंकि खाने में जो सीन क्रिएट होता है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मतलब मैनरज़म अखलाकियात सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं खाना जब खोल दिया जाता है तो इस तरह लगता है कि खाना नहीं खोला लोगों को खोल दिया गया है और खाना लगा दिया गया है इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के आपके पास बेताशा खाना पड़ा हुआ होता है आप जितना मर्जी खाएं बार बार खाएं जितना चाहिए आपको ले लीजिए लेकिन लोग क्या करते हैं कि खाने वाली जो प्लेट है उसको हीपिंग लेवल से भी ऊपर तक भर लेते हैं प्लेट में जगह नहीं होती कि स्पून कहाँ से आए और फोर्क कहाँ से आए अब वो भर ली गई अब ख़त्म नहीं हो पा रही अब ख़त्म नहीं हो पा रही तो खाना ज़ाया हुआ अब जब खाना ज़ाया होता है तो ये हम लोग भूल जाते हैं कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना मैसर नहीं अगर हम कम खाना खाएंगे या आपने पेट भर के खाना ज़रूर खाइए लेकिन कम से कम ज़ाया ना कीजिए अब जब ज़ाया नहीं करेंगे तो जो सप्लायर है जो केटरस है उसको अंदाज़ा होगा कि हंड्रेड लोगों के लिए टू हंड्रेड लोगों के लिए कितनी क्वांटिटी का खाना चाहिए और फिर थोड़ा कम बनाएगा जब कम खाना बनाएगा तो थोड़ा कम कंज्यूम होगा जब कम कंज्यूम होगा तो ख़रीदारी में कमी आएगी ख़रीदारी में कमी होगी तो हमारे पास जो स्टॉक है वो उन लोगों तक पहुँचाया जा सकता है जो लोग एक वक्त भी खाना जिनको दुनिया में मैसर नहीं है तो एक तो खाने का ज्या दूसरा अखलाकियात की दजिया बखेरना कि आप किसी जगह मेहमान आए हुए हैं और किसी ने उस कुर्सी पे आके आल अब बैठ गया है अगर तो आप बैठे हुए दूसरा कोई बंदा आकर बैठता है तो वो गलत बात है और अगर आप बैठे हुए और या कोई बैठा हुआ है और आप उसकी जगह पे आके बैठते हैं नॉट ओनली आप बैठते हैं बल्कि उसका ग्लास में पानी पीना शुरू कर देते हैं उसके फोक्स एंड नाइफ्स यूज़ करना शुरू कर सकते हैं आई थिंक कि लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें थोड़ा सा एहसास करें रिस्पेक्ट दें दूसरों को आनर्द करें दूसरों को ताकि आपको रिस्पेक्ट और आनंद मिल सके ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी मैंने कहा आपके साथ शेयर आई एम श्योर के हर एक के साथ कई दफ़ा इस तरह हुआ होगा लाइन का ख्याल नहीं रखते जब खाना लग जाता है ऐसी रश में आते हैं ऐसी दौड़ लगाते हैं कि जैसा खाना आखिरी दफ़ा मिलेगा कभी दोबारा नहीं मिलने वाला अफसोस होता है ऐसी चीज़ों को देख के आपने बहुत ख्याल रखिए है अल्लाम वरहि